ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है लगातार इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके और खासकर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेके आपको रेगुलरली अपडेट करते रहें, इन्फॉर्म्ड करते रहें, नॉलेज रखें ताकि आप बेहतर और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लें। सो बहुत सारे बच्चों ने पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया अपनी एप्लीकेशंस लगाई हैं। उन एप्लीकेशंस को लेके इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने कल दिया था कि एम्बेसी ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और बहुत सारी एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हुई और उसके बाद एक और एक्शन लिया। सो उसको भी मैं आज ध्यान से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो सबसे पहले चाहूंगा इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पर आप रेगुलर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमेशा गेन करते रहेंगे। और सेकेंडली, अगर आप अपनी एप्लीकेशंस को सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो आप ब्रॉडवे की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल करें, विजिट करें नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस में और निश्चिंत होकर अप्लाई करें। अगर आप दूर से तो आप हमारी सर्विसेज ऑनलाइन भी ले सकते हैं। सो प्रेजेंटली जो ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशंस लगी हैं, बहुत सारे उसमें गलत डॉक्यूमेंट लगे, बहुत सारे एजेंट ओवर कॉन्फिडेंट थे ऑस्ट्रेलिया को लेके कि बहुत सारा वीज़ा गिरेगा लॉकडाउन के बाद, ये होगा वो होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारा रिफ्यूज़ल ऑस्ट्रेलिया से निकल कर आ रहा है, खासकर कॉलेजेस के केसेस में, और बाकायदा जो फेक डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उनकी क्रॉस वेरिफिकेशंस बड़े लेवल पे शुरू हो चुकी हैं। इवन बैंक्स के अंदर भी, कई बैंक्स के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन होने जा रही है हाई कमीशन से। सो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से रखनी है कि आपने जो फंड्स लगाए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो कुछ भी लगाया, वो कई लोगों के लिए एक प्रॉब्लम भी बन सकता है। सो कोई भी फाइल आप अनऑथेंटिक तरीके से ना लगाएं। अगर आपकी फाइल प्रोसेस में है, सोच समझकर अच्छे कंसल्टेंट से लगाएं। और एम्बेसी का एक नोट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसको आपकी बैंक और सेविंग में, स्टेटमेंट में, बैलेंस सर्टिफिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि आपके पास पैसा आया कहाँ से। मतलब ये एक यूनिक चीज़ है ना, जो ना कनाडा देखता है ना यूके देखता है, बट ऑस्ट्रेलिया इज़ वर्किंग ऑन दिस एग्रेसिवली कि आपके पास ये पैसा आया कहाँ से, आपके पास सोर्स ऑफ फंड क्या है। मतलब आप अपनी एजुकेशन को फंड कैसे कर रहे हो, जो भी फंड आपके पास हैं, जो भी पैसा आप दिखा रहे हो, वो पैसा आपके पास आया कहाँ से था। सो बहुत सारा ही डिटेल में ऑस्ट्रेलिया आप जाने लगा है। सो इसलिए चीज़ों को समझें, सोच समझ कर ध्यान से अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें, अच्छे कंसल्टेंट के साथ अप्लाई करें और बहुत ऑथेंटिक वे से अप्लाई करें। सो आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। आपका प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल है, नहीं एलिजिबल है, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, कैसी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, अपने प्रोफाइल को लेके ब्रॉडवे की टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, निश्चिंत होकर मिल सकते हैं। हमारी गाइडेंस आई कैन एश्योर यू कि वही रहेगी जो एम्बेसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगी। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।